कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला, आज आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीएफएसएल की टीम। कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, स्ट्राइक खत्म करने पर सहमति नहीं बनी, ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। शनिवार शाम हुई ज्वाइंट आरडीए की बैठक, आपातकालीन सेवाओं को बंद किए बिना विरोध जारी रखने का फैसला, ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों की बैठकों में चर्चा जारी। कोलकाता मामले को लेकर आज भी ज्वाइंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठकें, हड़ताल पर रुख और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फेमा और फोडा भी करेगा बैठक। एफएआईएमए चेयरमैन डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा, सरकार के दिए गए लिखित आश्वासन में कहीं भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र नहीं, सीपीए पर लिखित आश्वासन मिलने तक जारी रहेगी हड़ताल। कोलकाता में हुए रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, कहा खुद की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, सरकार जल्द मांगे नहीं मानती तो रोकनी पड़ेगी इमरजेंसी सेवाएं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा धरना रैली करने की परमिशन नहीं है। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर केंद्र सरकार का सख्त फैसला, राज्यों को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट, सभी राज्यों को आदेश जारी। आईएमए की डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए पीएम से दखल देने की अपील, सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट जैसे करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक महिला डॉक्टर के शव के पास मिली डायरी के कई पन्ने फटे मिले, डॉक्टर्स के पास अमूमन होती है डायरी लेकिन पेज को फाड़े जाने के तरीके से शक और बढ़ा। पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में नाइट शिफ्ट के दौरान बढ़ाई गई सुरक्षा, ममता सरकार का महिला डॉक्टर और नर्सेज की सुरक्षा पर जोर, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सीसीटीवी से निगरानी होगी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के अस्पताल में गार्ड बढ़ाने और अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग, महिला डॉक्टर्स और छात्राओं ने कहा अस्पताल परिसर में ही अब डर लगता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स देश भर में निकाल रहे हैं कैंडल मार्च, कहा डॉक्टर्स की सुरक्षा राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर गाजियाबाद में प्रदर्शन किया गया, इंदिरापुरम में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर का विरोध किया गया, कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में उतरा ट्रांसजेंडर समुदाय, थिएटर आर्टिस्ट ने भी प्रदर्शन किया। निर्भया की मां ने किया प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का समर्थन, कहा पूरी होनी चाहिए मांग, जितना जल्द डॉक्टर्स को न्याय मिलेगा उतनी जल्द सामान्य होंगे अस्पतालों के हालात। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले के बाद पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने टाला डॉक्टर्स का ट्रांसफर, 42 डॉक्टरों का दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफर किया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से कहा, दुख की बात है कि कोलकाता पुलिस ठीक तरह से नहीं कर रही है अपना काम, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं। राज्यपाल ने कहा अस्पताल में हुई घटना के अगले दिन ममता बनर्जी को लिखी थी चिट्ठी, सुरक्षा बढ़ाने और सीबीआई को मामला सौंपने के लिए कहा था। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की सीबीआई से जांच में तेजी लाने की मांग, कहा न्याय होना चाहिए और अपराधी को मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सजा। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर सियासत जारी, अखिलेश यादव ने कहा ममता बनर्जी ने कार्रवाई की, लखनऊ में सीएम ऑफिस के बाहर दलित युवती ने खुदकुशी की थी, क्या हुआ वहां एक्शन लिया गया। अखिलेश के बयान पर बोली बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, बीजेपी करती है सकारात्मक राजनीति, पूछा महिलाओं के अधिकार के लिए खड़े होना क्या राजनीति है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी करते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म, ममता को वाकई चिंता होती तो पहले ही संभाल लेती स्थिति। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फार्मेसी के छात्रों का प्रदर्शन, वहां पर एक छात्र का शव मिला के परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की है, परिजनों का दावा हत्या के बाद पंखे से लटका हुआ शव मिला।
अब आइए 9 सेकंड न्यूज में। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मचे सियासी बवाल की खबर आपको दिखाते हैं। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी आज करेंगे अहम बैठक। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग होगी। नई लिस्ट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मंथन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग, तुरंत अमल में लाया जाए हाईकोर्ट का फैसला। जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी करने की अपील। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, सरकार कर रही फैसले की समीक्षा, जल्द मिलेगा न्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, प्रदेश सरकार ने किया छात्रों के साथ भेदभाव। कहा, नहीं होनी चाहिए आरक्षण में किसी तरह की छेड़खानी। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा, सरकार के सामने कोर्ट के फैसले के बाद कोई चुनौती नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर प्रहार, बीजेपी सरकार ने छात्रों पर चलवाई थी लाठियां। अब हाईकोर्ट का आदेश आने पर मौका देखकर कर रहे हैं स्वागत। दो राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासत का पारा पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। 9 सेकंड न्यूज में वक्त है चुनाव की खबरों का अपडेट जानने का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा ऐलान, सीएम नहीं बनना चाहते उद्धव ठाकरे, कांग्रेस एनसीपी के चेहरे को देंगे समर्थन, जल्द हो जाएगा सीटों का बंटवारा। हरियाणा में जेजेपी के आधे से ज्यादा विधायक पार्टी से बाहर, 10 विधायकों में से 4 ने इस्तीफा दिया। दल बदल कानून के तहत स्पीकर के पास लंबित है 2 विधायकों का मामला। चुनावी राज्यों के लिए कांग्रेस के वॉर रूम में नियुक्तियां, नवीन शर्मा को हरियाणा की कमान दी गई है, वामशी रेड्डी को महाराष्ट्र और गोकुल बुटेल को जम्मू कश्मीर वॉर रूम की जिम्मेदारी मिली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, बीजेपी प्रभारी जी किशन रेड्डी, तरुण चुग समेत अन्य नेता आज राज्य के दौरे पर पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना, कहा, जो नेता देश में चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो क्यों नहीं करा पा रहे हैं 4 राज्यों में एक साथ चुनाव, ये है बीजेपी की दोहरी नीति। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं। एक सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान, 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने में पहुंचाना लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का करेंगे उद्घाटन, कई दूसरे कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की पीएम से मांग की। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की, आंध्र प्रदेश में चल रहे विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने एमवाई का दिया नया नाम, कहा, यूपी में पीडीए ने एमवाई यानी मोदी योगी को हराया। अखिलेश यादव ने अधिकारियों के तबादले का मुद्दा भी उठाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस ने 60,000 जवानों की यूपी पुलिस में भर्ती होगी, 20% बेटियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर जमीन घोटाला मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, मुख्यमंत्री बोले, नहीं दूंगा इस्तीफा, राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है, पौश इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धरमैया, बोले, केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने गैर कानूनी आदेश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी के जरिए नियुक्त राज्यपाल गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए खड़ी कर रहे हैं परेशानी। सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की राज्यपाल की मंजूरी पर सियासत बेहद गरमाई, कर्नाटक में केंद्र सरकार के खिलाफ कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
समाजवादी पार्टी कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के समर्थन में उतरी पार्टी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा बीजेपी को जमीन घोटाले में महारत पीएम के एजेंडे के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोली सीएम सिद्धरमैया की कैबिनेट में सभी घोटालेबाज वो हाईकमान के लिए बने हैं एटीएम सिद्धरमैया से इस्तीफे की मांग की। सिद्धरमैया के समर्थन में उतरे उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कहा हर राज्य में बीजेपी नेताओं पर करप्शन के आरोप लेकिन राज्यपाल नहीं करते हैं कार्रवाई। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बोले ये महज एक अफवाह है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में बेहद खुश है। झारखंड में आज महिलाओं के बैंक खाते में मैया योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे सीएम हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के एक दिन पहले 1,000 रुपए की रकम दी जाएगी। दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पदयात्रा पहुंची विनोद नगर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के समर्थक और नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार बलोदा बाजार कलेक्ट्रेट आगजनी कांड में जुड़ा के नाम सतनामी समाज के प्रदर्शन को भड़काने का आरोप। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को ठहराया जायज कहा सतनामी समाज के सफेद झंडे को लेकर राजनीति करना गलत। मुंबई में मुस्लिम नेताओं की बैठक में हंगामा हुआ उद्धव गुट के सांसदों पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समय गायब रहने का एक पक्ष ने आरोप लगाया उद्धव समर्थकों को आया गुस्सा। समान नागरिक संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान यूसीसी लाने की कोई भी कोशिश नहीं होगी मंजूर पीएम मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता पर जोर दिया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा आरोप बिहार में पुल बना रही कंपनी अधिकारियों की मिलीभगत से हेराफेरी कर रही है टेंडर रद्द करने की मांग भी उठाई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।